हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ टू मैनेज सीए इंटर एग्जाम्स विद रेगुलर कॉलेज, या फिर तुम्हारे जो कॉलेज के एग्जाम्स बीकॉम के एग्जाम्स जो मार्च या अप्रैल में पढ़ेंगे उसके साथ अपन को सीए इंटर कैसे मैनेज करना है। उससे पहले अगर तुमने एडवांस अकाउंट्स के लिए ये क्लासेस ये फीचर्स के साथ नहीं लिए तो अभी जाके कमेंट सेक्शन में तुम्हारे को एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करके तुम जल्द से जल्द क्लासेस ले सकते हो, ठीक है ना। अब अपन इस वीडियो में बात करते हैं। अपन को देखो, मैं तुम्हें मेरा बताता हूँ। सबसे पहले ग्रुप वन के जब मेरे एग्जाम थे ना, तो उससे पहले मेरा वो पूरे बीकॉम का फर्स्ट ईयर था और 10 एग्जाम मैंने दिए थे। मतलब मेरे 30 अप्रैल को बीकॉम के एग्जाम खत्म हुए थे, उसके बाद 3 मई से ही अपने सी इंटर के एग्जाम थे, तो मैंने भी मैनेज करा है। उसके बाद मैं तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, सबसे मेन बीकॉम का एग्जाम है, फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, सबसे पहले वो बात करते हैं। अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, जो कि मेरा बीकॉम का पहले फर्स्ट ईयर के साथ पढ़ा था, तो 10 एग्जाम थे उसके अंदर, तो भाई ऑब्वियस ही बात है तुम्हारे को उधर टाइम डिनोट थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर मैं ओरिजिनली बताऊँ ना तुम्हें, बीकॉम के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब उसमें ये नहीं बता रहा मैं तुम्हें सिर्फ पेज ही पेज भरने हैं, भाई जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड तुम्हें जितना आता है उतना लिख दो। साथ ही साथ बहुत इजी इजी टॉपिक रहते हैं, और तुमने देखा भी होगा राजा वन वीक सीरीज वगैरह ये सब आती है, उनसे तुम पढ़ सकते हो। और मैं बताऊँ कैसे पढ़ता था, जिस दिन एग्जाम, पहले दिन जब एग्जाम था ना, हिंदी इंग्लिश वगैरह के एग्जाम है ना, वो बहुत बेकार सब्जेक्ट लगता है मुझे। तो उसमें क्या है, जो जिस दिन एग्जाम है ना उससे एक दिन पहले तुम्हारे को तुम्हारी प्रिपरेशन चालू कर देनी है। बट अगर तुम्हारे इसके अलावा जो नॉर्मल एग्जाम्स है, अकाउंटेंसी, बीएसटी या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी एग्जाम्स है, उनके लिए मैंने क्या करा था, जैसे एग्जाम है ना, आज है एग्जाम, तो आज सुबह मैं उठता था और सुबह 6 बजे मान लो मैं उठ के जितना टाइम है उसमें पढ़ के मैं दे देता था एग्जाम। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती थी, मतलब बेसिकली एग्जाम के दिन ही सुबह पढ़ के दे दिया। जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, जैसे हिंदी इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए तुम एक दिन पहले से पढ़ सकते हो, बेस्ट रहेगा। तो जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं सुबह से पढ़ता था, और जैसे दिन में एग्जाम दे कर आया ना, मतलब उधर कॉलेज के अंदर मेरे को भी पहली बार पता चला था कि एग्जाम कंप्लीट होते ही निकलने का होता है। वैसे मेरी स्कूल क्या थी ना, क्या मैंने फर्स्ट ईयर ही दिया था पहले, तो इसलिए तो जल्दी से एग्जाम निपटाऊँ मैं। तो वैसे 1-1.5 बजे तक, तो 1.5 बजे से आगे मेरा कभी पेपर गया ही नहीं, 1 से 1.5, मतलब 2-2.5 घंटे के अंदर मैं अपना पेपर आराम से निपटा देता था। उसके बाद घर जाओ, आराम से थोड़ा खाना वाना खा के थोड़ा माइंड को फ्रेश करो, और वापस अपना सी इंटर का पढ़ो। देखा जाए ना, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती एग्जाम्स के साथ कैसे मैनेज करें, तो उसके अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको बस ऐसे प्रेशर में मत लेना, बिल्कुल ईजी निकालो बीकॉम के एग्जाम्स, को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली पास होंगे सब। इसलिए मेन फोकस अपन को सी इंटर के अंदर ही रखना है। अब अगर मान लो तुम्हारा रेगुलर कॉलेज है, तो भाई तुम्हारा सुबह का एक बार देखा जाए तो तुम्हारा सुबह से लेकर दिन में का टाइम तो तुम्हारा गया, तो तुम्हारे देखा जाए तो स्टडी आवर्स कम हो गए। बट अगर तुम्हारा जैसे सेकंड ईयर वगैरह है, तो उसके अंदर तो अपने ग्रुप वन वगैरह के सब्जेक्ट्स भी सेम है, तो तुम्हारे को उधर फायदा हो सकता है। मतलब बेसिकली अगर तुम अपनी टैक्सेशन पढ़ के जा रहे हो, तो बीकॉम की टैक्सेशन तुम्हारे लिए मोस्ट ईजीएस्ट होगी। उनको इतना आराम से लो, मतलब उनका इतना सीरियस नहीं लेना, नॉर्मली लो आराम से, जो वो बता रहे हैं, जो अपने भाई बहुत सिंपल लेवल रहता है बीकॉम का, तो उसके क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। मेरे पास तो जैसे ग्रुप वन के में कोई आते, जैसे वो आते थे ना अपने इंश्योरेंस क्लेम वगैरह चैप्टर थे, अपने लॉस ऑन प्रॉफिट वाले जो चैप्टर थे ना, उसके अंदर उसने कुछ पूछा, मैं तो उसका पूरा फॉर्मेट जो मेरे को याद था मैं सब लिखाया। मैं बताऊँ ना, बी कॉम के एग्जाम्स को अपने सी एंटर के लिए रिविजन के तौर पर लो। मैं तो खुद ही उधर जितना जो उसने पूछा ना, जितना पता है ना तुम्हारे को, जो तुमने सी एंटर में पढ़ा है सब लिख दो, सब जितना तुम्हें पता है उस टॉपिक से रिलेटेड सब लिख दो, तुम्हारा भी एक शानदार रिवीजन हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही कर रहा था वहाँ पे रिवीजन करने के लिए, पूरे जो भी मैंने पॉइंट्स पॉइंट्स याद करे लिख रहा, किसी किसी में तो मैंने ऑडिट के कुछ पॉइंट याद करे तो वो लिख रहा, मतलब ऑडिट के नहीं, लॉ के, सॉरी लॉ के कुछ पॉइंट याद थे कि कंपनी से रिलेटेड ऐसा ऐसा होता है, वो मैं लिख रहा उधर, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और जो आंसर है वो हो भी जाए, थोड़ा पेज भी बढ़ जाए। नॉर्मली ऐसे करता हूँ। अगर तुम्हारा रेगुलर कॉलेज है ना, तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा कम, मतलब तुम्हारा वहाँ टाइम ऑब्वियसली बात जाएगा, तो जितना हो सके ना उधर इतना रेलिवेंट नहीं रहता। उधर है ना तुम थोड़ा पढ़ाई में अपनी इंटर की में ही एंगेज रहो, मतलब जो सब्जेक्ट्स इंटर के भी सब्जेक्ट्स हैं ना वहाँ पे, जो जिसका तुम एग्जाम दे रहे हो उन पे ज़्यादा ध्यान दो, और जो पढ़ाने उसके सामने तुम जैसे क्लास भी चल रही ना, तो तुम वहाँ पे खुद की बुक खोल के ही पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आने के बाद देखा जाए तो तुम्हारे पास टाइम कम है, तो सबसे मेन चीज़ है आने के बाद तुम्हारे को प्रोडक्टिव टाइम निकालना अपना पूरा।
अब वो प्रोडक्टिव टाइम कैसे निकलेगा, जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे कॉलेज की क्लासेस में थोड़े कवर हो रहे हैं ना, उसके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो लो, या फिर जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स है जिसमें तुम्हें लग रहा है तुम फेल हो सकते हो, या फिर टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट जो मैंडेटरी लेना उनको तुम लो। जैसे तुम्हारा सुबह का टाइम और शाम का टाइम, सुबह कॉलेज चल रहा है, इस वाले स्लॉट्स के अंदर तुम्हारे को वाले सब्जेक्ट लेने जो तुम्हें नहीं आते, जो इधर कवर नहीं हो रहे और जो लग रहा है तुम्हारे को हार्ड है, और टैक्सेशन वगैरह ऐसे सब्जेक्ट तुम्हारे को स्लॉट में लेने और ऐसे पढ़ना है। और बाकी रिविजन वगैरह होगा तुम्हारे कॉलेज में, अगर तुम्हारा रेगुलर कॉलेज है तो वहां जाओगे तो तुम्हारा बेसिकली रिविजन होगा, वैसे वो बहुत लो लेवल का पढ़ाएंगे तो तुम्हारे को आराम से तुम तो खुद की बुक खोल के खुद पढ़ लो उधर उनके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इंटरव्यू तो वो जो पूछेंगे वो तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है आता ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो ऐसे तुम पूरा मैनेज कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो के अंदर।